देखिए बेटा, हेमिस्फेरिकल नेटवर्क ऑफ रेडियस स्मॉल ए इज मेड। तो पहले क्या किया है, सर्कल में इस तरह से चार वायर लगा लिए, इस तरह से आर्क ए 1 2 3 4, इस तरह के 1 2 3 4, ये बेस बन रहा है इसका ए बी सी डी। ए बी सी डी जो बेस है वो है ए बी सी डी और सेंटर ओ है। उसके बाद चार वायर इसके ऊपर से कनेक्ट कर दिए इस तरीके से। देखो कैसे कनेक्ट किया, यहाँ से एक तो इधर ले गए, एक इधर ले गए, एक इधर ले गए और एक इधर ले गए, ठीक है ना। इस तरह का कॉम्बिनेशन बना रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12 ऊपर वाले चार जो है, तो ये हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर बन गई। वही कह रहा है कि हेमिस्फेरिकल नेटवर्क ऑफ रेडियस स्मॉल ए इज मेड बाय यूजिंग ए कंडक्टिंग वायर, बाय यूजिंग ए कंडक्टिंग वायर, और उसका आपको रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ भी दे रखा है, कंडक्टिंग वायर ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ स्मॉल आर। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ स्मॉल आर दे रखा है, रेडियस हेमिस्फेरिकल नेटवर्क की आप समझ रहे हैं, जैसे ये ए हो जाएगी, ठीक है। कंडक्टिंग वायर ऑफ रेडियस पर यूनिट लेंथ स्मॉल आर, फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी। तो ओ और पी के बीच बताना है आपको, ओ एंड पी, ठीक है। फाइंड आउट आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट बिटवीन ओ एंड पी, तो ओ एंड पी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा ये बताना है आपको, ओ और पी के बीच। तो पी पर बैटरी लगाएंगे, उसी प्रोवी प्रोसेस है, उसको ध्यान रखिए अपनी, उसी प्रोसेस को ध्यान रखिए अपनी। ठीक है ना, वही आपकी प्रोसेस है कि आप पी पर अगर बैटरी, यहाँ पर ओ और पी के बीच बैटरी लगा रहे हैं इस तरह की, मान लीजिए पी से करंट चल रही है तो इन चार रास्तों में चलेगी, देख रहे हैं बेटा सब लोग, पी से करंट इन चार रास्तों में चलेगी, तो इन चारों रास्तों में कोई डिफरेंस है क्या? पी से चलेगी चार रास्तों में, तो इन चारों रास्तों में कोई डिफरेंस है क्या? काफी सही होगा आपका बेटा, काफी सही है जिसने भेजा है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो इन चारों रास्तों में कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है ना, इन चारों रास्तों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए आपका क्या होगा, यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ए बी सी डी। तो पहली बात तो क्या निकल के आ जाएगी कि वी ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी सी इक्वल टू वी डी, ये चारों पोटेंशियल सेम हो गए, ठीक है ना, ए बी सी डी के पोटेंशियल सेम हो गए हैं, तो इसलिए आप क्या करेंगे, इनके बीच के रेजिस्टेंसेस रिमूव कर देंगे, ए बी से सी, सी से डी, डी से सब रेजिस्टेंस रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। हैंस रिमूव रेजिस्टेंसेस, हैंस रिमूव रेजिस्टेंसेज, कौन से रेजिस्टेंसेज रिमूव कर देंगे आप, ए बी बी सी सी डी डी ए रेजिस्टेंस रिमूव कर देंगे, ठीक है ना, रिमूव रेजिस्टेंसेज ए बी बी सी ए डी एंड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए आप रिमूव कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा आप, बहुत ही सिंपल है, देखो हट गए तो एक सीधा सा सीरीज ये रहा, तो चार सीरीज में है ओ और पी के बीच, ठीक है ना, ओ और पी के बीच चार रेजिस्टेंसेस, मतलब दो ये सीरीज में और फिर सारे मिलके पैरेलल में हो जाएंगे ओ और पी के बीच, इधर ओ है जैसे यहाँ मैं पी बना दूँ, ठीक है, तो इसके दो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन जा रहा है ओ से लेकर पी के बीच में, और ऐसी चार बनेंगी, ठीक है। तो आपका आर इक्विवेलेंट, ये मैं आर वन बना लेता हूँ इन दोनों को मिला के, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर वन बाई फोर हो जाएगा। अब आर वन क्या है, हाँ बिल्कुल सलोनी निकाल दिया बेटा, आर वन क्या है, आर वन है दिस प्लस दिस है, ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना है आपका, आर्क बन गया एक तरह से सर्कल का, तो पाई आर बाई टू नहीं हो जाएगा, ये आर वन हो जाएगा आपका, स्मॉल आर यूनिट लेंथ का है तो ये हो जाएगा पाई ए बाई टू, ठीक है, और आर टू इसकी लेंथ कितनी है, रेडियस के बराबर, तो ये स्मॉल आर इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया आप जो चाहते हैं, एक तो कार्बन आया, ऐसे चार हैं ऐसे बिल्कुल, ठीक है ना, ऐसे आपके चार लगे हुए बेटा ये पूरे इस तरीके, ठीक
R1 लगे हुए, एक तरह से मान लो R1 R1 R1, एक R1 ऐसे आया तो चारों पैरेलल में है, तो आपका आंसर आना चाहिए इससे 1/4 इनटू एडिशन, तो RA इनटू पाई बाई 2 + 1। देखो आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आर वन बाई, नहीं, क्या कर दिया मैंने, गड़बड़ कर दी। जो आर वन बन रहा है वो आर वन, हाँ जो आर वन बन रहा है वो आर वन डैश प्लस आर टू डैश से बन रहा है, तो सम डिवाइडेड बाई 4, तो ये आएगा आपका ए आर, बिल्कुल ये आएगा ए आर पाई प्लस 2/8 ओम आ जाएगा, ये रेजिस्टेंस आ रहा है, ए आर इंटू पाई प्लस 2/8 आ रहा है। देखिए किसी को दिक्कत तो नहीं है बेटा इसमें, आर इक्विवेलेंट में। हाँ अरे कहाँ से बेटा बताइए दोबारा, शुरू से। हाँ हाँ देखो एक बार देख लो, शुरू से देख लो, मैं कह रहा हूँ पी पॉइंट से जो चलेगा करंट वो चार जगह जाएगा, ए से ए की तरफ जाएगा, बी की तरफ जाएगा, सी की तरफ जाएगा, डी की तरफ जाएगा, क्योंकि ओ और पी के बीच आपको निकालना है, तो वहां बैटरी लगाई है, ठीक है ना, ओ और पी के बीच बैटरी लगाई है मैंने, क्योंकि आपको ओ और पी के बीच निकालनी है चीजें, ठीक है ना, तो ओ और पी के बीच बैटरी लगाने से क्या हुआ, चार रास्ते दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ऐसे चार रास्तों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो चार रास्ते हैं तो चारों आइडेंटिकल है, कोई डिफरेंस दिख सकता है क्या आपको, इसके आगे भी 3 में जा रहा है, इसके आगे भी 3 में जा रहा है, इसके आगे भी 3 में जा रहा है, चारों रास्ते बिल्कुल आइडेंटिकल है, वैसे ही दिख रहा है, तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि ए बी सी और डी के पोटेंशियल चारों के बराबर हो जाएंगे, वी ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी सी इक्वल टू वी डी हो जाएगा, ठीक है, तो हैंस रिमूव रेजिस्टेंसेज, तो रेजिस्टेंसेज कौन से रिमूव हो सकते हैं, इसलिए ए बी को रिमूव कर सकते हैं, बी सी को कर देंगे, सी को कर देंगे, डी से ए को कर देंगे, इन चारों को रिमूव कर देंगे, क्योंकि इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, ठीक है, तो आप कौन से बच गए, जब चारों हट गए तो एक सीरीज सीरीज वाले तो बचे, पी से ए से हो, पी से बी बी से हो, पी से सी सी से हो, और पी से डी और डी से हो, इस तरह के चार बचे ना, इन चारों को एक को अगर आर वन बोल दूं तो ये पी और ओ के बीच चारों पैरेलल में हो जाएंगे, अब एक आर वन कैसे निकलेगा, दिस रेजिस्टेंस प्लस दिस रेजिस्टेंस, ऐसे एक आर वन निकलेगा, ठीक है, बेसिकली आर वन यहाँ पर होगा आर वन डैश प्लस आर टू डैश, आर वन डैश आर टू डैश कौन से कह रहा हूं मैं, ये वाले जो है, तो ये कितना होगा लेमडा इंटू यूनिट लेंथ का कितना है, स्मॉल आर बोला है, यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस, यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस स्मॉल आर बोला है, तो ये होगा स्मॉल आर इंटू दिस लेंथ, ये सिर्कमफ्रेंस का भी आधा हो जाए, आधी सिर्कमफ्रेंस का भी आधा, तो पाई ए बाई 2 हो जाएगा, देखो पाई ए बाई 2 आ रहा है, ये वाला कितना हो जाएगा, इसकी रेडियस है ये तो स्मॉल ए, तो ये हो जाएगी आपकी आर इंटू, क्योंकि स्मॉल ए रेडियस दे रखी थी ना हेमिस्फेरिकल शेप, बस ऐड करिए और 1/4 से डिवाइड कर देंगे, तो आ गया बेटा, जो लोग पूछ रहे थे इसी तरह आ गया आपको, ये इसका आंसर आ जाएगा ए आर इंटू पाई प्लस 2/8 आंसर आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ये आप